नमस्कार, मधुबनी गुड न्यूज देख रहे हैं आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पंचायत चुनाव संपन्न हो चुका है और पंचायत चुनाव संपन्न होने के 5 महीना बाद मधुबनी गुड न्यूज के जो हमारे रिपोर्टर हैं, अब परिचय यात्रा के तहत जो है पूरे जिले के विभिन्न पंचायतों का दौरा पर निकल रहे हैं। सबसे पहले अभी हम झंझारपुर के अनुमंडल क्षेत्र के प्रखंड क्षेत्र के अंदरा ठाढ़ी आए हुए हैं, जहाँ के मुखिया जी हैं राज नारायण राय उर्फ छोटू जी। छोटू जी का नाम परिचय के वो मोहताज नहीं है, उनके बारे में जितना कुछ कहेंगे उतना कम होगा, चूंकि जो काम सांसद विधायक मुखिया आज तक नहीं कर सके वो 5 महीना में करके दिखा दिया, वो भी किसी सरकारी फंड से नहीं बल्कि निजी फंड से। ऐसे ऐसे यूनिक काम किए हैं जो आज तक के इतिहास में न कोई किया था न कोई करेगा। इनके कार्यों के बारे में बखान तो हम बाद में करेंगे, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर उनके जो कुछ प्रतिनिधि हैं उनसे बात करेंगे और हमारे जो मुखिया जी हैं उनसे भी हम इस मामला पर बातचीत करेंगे, लेकिन उनके कार्यों के कुछ झलकियां आप तक जरूर हम रखना चाहेंगे। जैसे कि जल जमाव की समस्या, मधुबनी जिला की यदि सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो है जल जमाव की समस्या। खास करके मानसून सत्र जब शुरुआत होता है, मानसून के समय बरसात जब होती है तो सड़कों पर चलना दुर्लभ हो जाता है लोगों के लिए, वो जल जमाव की जो समस्या होती है वो नासूर बन जाती है। ऐसे नासूर समस्या को उन्होंने अपने पैसे से उन्होंने कहीं मिट्टी गिरवाए तो कहीं ईंट की टुकड़ी गिरा करके सड़कों को जो है चकाचौंध कर दिए और वो आज उस सड़कों पर जो है गाड़ियां फराटे भरती निकलती है। शपथ ग्रहण का 5 महीना हुआ भी नहीं और शपथ ग्रहण के 5 महीने के अंदर ये सब कार्य किए हैं, तो निश्चित तौर से ये कार्य दूसरे मुखिया के लिए, दूसरे जनप्रतिनिधि के लिए, इतना ही नहीं सांसद विधायक और मंत्री के लिए भी नज़ीर पेश कर रहा है। हम यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, एक यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, एक बाबा हैं, उनसे जानेंगे। बाबा ये बात बताइए, जो आज तक आपके पंचायत में इससे पहले बहुत सारे मुखिया, बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे सांसद को आप आते जाते देखे होंगे, यहाँ पर हम तालाब का कार्य देखे हैं, यहाँ पर कुछ रोड सड़क का कार्य देखे हैं, यहाँ पर अतिक्रमण की जो जमीन थी जिसे लोग कब्जा कर रखा था वो जमीन सब खाली हुआ, क्या कहेंगे इस बारे में? ये जो है ना, हम छोटू राय मुखिया जो हैं वो बहुत आगे बढ़ कर के काम कर रहे हैं और सब जनता उनके ऊपर में खुश है। हाँ, काम चल रहा है। जो पहले हुआ, जितना मुखिया आया सब मुखिया मैंने अपने पेट के कुरियाने से पब्लिक को त्रस्त कर दिया। अच्छा, इससे पहले जो है, इससे पहले आज तक कोई ऐसा मुखिया हुआ होगा जो अतिक्रमित भूमि सब जो था, सरकारी भूमि सब मतलब पूरा कब्जा कर रखा था लोग, उस पर मतलब कभी कोई पहल किया हुआ, आवेदन तक भी दिया हुआ? नहीं, कोई नहीं किया, कोई नहीं किया। ये छोटू राय मुखिया जो हैं अभी नया 5 महीना के अंदर में जो हुए हैं वही केवल काम अभी जब अतिक्रमण भी कर रहे हैं और काम भी अभी माने चल रहा है, धुआंधार काम चल रहा है उनके नज़र, मतलब धुआंधार काम चल रहा है। हाँ, चल रहा है। तो आपको अंदाजा था जो यदि छोटू राय मुखिया बनते हैं तो इस तरह से धुआंधार पारी की शुरुआत करेंगे? नहीं, सो अंदाज नहीं था। तो आपको गर्व महसूस हो रहा है? हाँ, एकदम गर्व महसूस हो रहा है। ये जिला का पहला ऐसा मुखिया है जो ऐसे यूनिक काम कर रहा है? हाँ, कर रहे हैं, सही में वो कर रहे हैं। तो क्या लगता है, गरीब पीड़ित शोषित जो है उन लोगों को आवास और पेंशन इस सब का राशन कार्ड का लाभ है मिलेगा? सब दिला रहे हैं, दिला रहे हैं। और जो बाकी है वो भी कह रहे हैं जो हम देंगे। हाँ, जहाँ से होगा वहाँ व्यवस्था करेंगे। ये अभी हम जहाँ पर खड़े हैं ये परमेश्वरी स्थान का मंदिर है जो प्रसिद्ध है, ये न केवल जिला बल्कि अन्य राज्य में भी इसका नाम है, इस मंदिर का, इस तालाब का। सुने हैं जो इस तालाब को भी सौंदर्यीकरण किए हैं, तालाब का उगाही किए हैं? सही में किए हैं, अभी आप देख रहे हैं टोटल सौंदर्यीकरण हुआ है। नहीं तो यहाँ पर इतना लीड था जो कि जितना मुखिया आते थे, हाँ हम करेंगे अपना पैसा लेकर के अपना। अच्छा, एक बात बताइए, सांसद और मंत्री से भी आप लोग गुहार लगाए होंगे? हाँ, जो इसका सौंदर्यीकरण के लिए। हाँ, मैं सांसद से भी किए हाँ, और कि मैंने मंत्री से भी किए, अब कोई नहीं किया। जबकि मुखिया का फंड तो बहुत कम होता है, मंत्री और सांसद का फंड बहुत ज्यादा होता है। हाँ, तो बहुत खुश हैं? बहुत खुश हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। भागीरथ झा। अच्छा, क्या है, पंडा जी हैं आप? नहीं। अच्छा, स्थानीय ग्रामीण? हाँ, स्थानीय ग्रामीण है। ठीक। और ये सब जो है सो मेरा जमीन है। आपका जमीन है? हाँ,
ये हम मैया को जिए हुए हैं। तो आप आशीर्वाद देते हैं ना जो ये मुखिया से मुख्यमंत्री तक का सफर तय करें। हाँ हाँ हाँ, एकदम कमाने वो मुखिया से लेकर के मंत्री तक सफर करेंगे करेंगे ना। हाँ, मुखिया जी के साथ कार्य करके इन्हें कैसा अनुभूति हो रहा है? मुखिया जी के साथ में कार्य करने से बहुत अच्छा अनुभव ही हो रहा है कि ऐसा मुखिया न हुआ था, ये 20-25 साल में न होगा। ये भी भविष्यवाणी कर दिया, कर दिए हैं, ऐसा काम हो रहा है। तो आप लोग जो, चूंकि इससे पहले का जो मुखिया सब था या उसका कैबिनेट होता था, क्या ये धुआंधार डिसीजन योगी के स्टाइल में पहले भी होता था? नहीं होता था, कभी नहीं हुआ है। आप लोगों को काम करने में मजा आ रहा है? काम करने में मजा आ रहा है। वार्ड सदस्य बनता है तो लोगों को कभी कभी माथा पची होता है, अरे इतना जनता का झंबेला, लोग आता है उसको ध्वस दिखाता है, कहता है ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन आप लोग जिस तरह अंदाज में काम कर रहे हैं निश्चित तौर से ये लग रहा है जो ये मंत्री कैबिनेट का भी ऐसा काम नहीं होता जैसा मुखिया कैबिनेट काम कर रहे हैं। देखो, मुखिया कैबिनेट में इस तरह का काम, इस तरह का निर्णय लेना इतना जल्दी, जो किसी बात पे अगर कहीं भी ग्रामीण का हो या पब्लिक का किसी भी, अगर चाहे दुख हो, कोई भी आवश्यकता होता है, वहाँ पे एनी टाइम होते खड़े मिलते हैं। आप लोग अच्छा, कोई ऐसा परिस्थिति आ जाए तो इमरजेंसी बैठक बुला सकते हैं आप? एकदम बुला सकते हैं, क्विक डिसीजन क्विक होगा। क्या नाम हुआ आपका? रामचंद्र राम। और कौन सी वार्ड के वार्ड सदस्य? वार्ड 10 का। थैंक यू। तो यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं, देख रहे हैं, अभी तक की जो बात सामने आए उसमें स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि मुखिया जी के अल्प समय के जो कार्य हैं वो यूनिक बन गए हैं और वो नज़ीर पेश कर रहे हैं। अब यहाँ पर युवा समाज सेवी जो कि लगातार मीडिया, सोशल मीडिया से लेकर के सड़क से लगातार सांसद मंत्री तक पहुँच करके अपना आवाज़ बुलंद करते थे, ब्रह्म देव राय जी, आइए उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं मुखिया जी के बारे में, चूँकि ये मुखिया का हनुमान बन करके काम करते हैं। क्या कहना है आपको इन कार्यों के बारे में, क्या सब किए हैं मुखिया जी, थोड़ा सा आप अपने जुबानी से बता दीजिए। देखिए, अभी तक मुखिया जी जिस हिसाब से हमारे आंध्रठाड़ी दक्षिण पंचायत में राजनारायण छोटू राय जी मुखिया बने हैं, तो हम लोगों को लगता है कि जैसे हम लोगों को एक युग पुरुष मिल गया है। कभी ऐसा कोई मुखिया मिला नहीं कि जो क्विक फैसला ले और धरातल पर आके काम करे। हवा हवाई में बहुत सारे लोग काम करते हैं लेकिन धरातल पर कहीं ना कहीं कुछ नहीं होता है। हम देखें अभी तक जैसे कि हम लोग कागजी घोड़ा तो बहुत दौड़ता है सर, लेकिन कहीं ना कहीं धरातल पर कोई काम नहीं आता था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि मुखिया जी कोई योजना से काम किए नहीं है, लेकिन फिर भी अपने निजी कोष से जहां भी जैसे भी हो हर किसी के धरातल पर उतारने के प्रयास करते हैं, हर एक वर्ग को धरातल पर उतारने के प्रयास करते हैं। जैसे कि हमारे कमलादित स्थान वाला रोड है पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया था, जिसके लिए रामप्रीत पासवान जी को कई बार हमने, रामप्रीत मंडल जी को, सबको आवेदन भी लिखित में दिए हुए थे, मुखिया जी भी दिए हुए थे, लेकिन उनके बावजूद भी कभी सड़क सही नहीं हो पाया। इससे पिछले वर्ष भी, पिछले पंचवर्षीय महेंद्र राय मुखिया जी थे हमारे, हम लोगों के, उनको भी हम लोग ने लिखित में कई बार, हमने धरना प्रदर्शन में जाकर उनको कहा कि भाई साहब इस तरह की है कि हम लोग एक धार्मिक स्थल है कमलादित स्थान वाला जिसमें हम लोग नहीं जा पाते हैं, साइकिल तो दूर की बात हुआ, जब पैदल नहीं चल पाते हैं तो साइकिल तो जाएगी नहीं। तो उनको जो है मुखिया जी अपने निजी कोष से जैसे तैसे उसको पूरा सही करवाए, आज उस पर चार चक्का जा रही है। इस बीच कुछ दिन पहले जो है चैती दुर्गा नवरात्रि हुआ था जिसमें सारे लोग खुश हुए कि चले भाई कम से कम हम लोगों का सड़क बन गया, जिसके कारण से हम लोग माता के दर्शन करने के लिए नवरात्रि में पहुँचे वहाँ। उसके बाद हम लोगों के एक मुख्य सड़क, खोपा मुख्य सड़क के जस्ट दक्षिण साइड में एक पुला है जो हम लोग बिशनपुरा से जाने वाली मुख्य सड़क है। हाँ, एक खेत से होकर हम लोग जाते थे, बरसात के समय में पानी हो जाता था तो उस खेत से जाते थे, क्योंकि सड़क था ही नहीं, हुआ पूरा समाप्त हो गया था, सड़क था ही नहीं, लगभग 50 फीट में पूरा टूट गया था पूरा बाढ़ के कारण से। तकरीबन 5 साल से ज़्यादा हो गया था, कभी हमको लगता है 5 साल से ज़्यादा से पहले से टूटा हुआ था। कई बार हम लोगों ने कहा भी सभी को कि मान लीजिए को कम से कम पुलिया दे दे, नहीं हो तो कुछ हो दे दीजिए, कम से कम हम लोगों को मिट्टी भरा दीजिए कहा, ताकि हम लोग मुख्य सड़क पर जा सके और अपना जो है घूम, जैसे कि हमको खोपा मुख्य सड़क बा अपना किसान के लिए खेत में जाना चाहते थे तो दुर्गा स्थान होते हुए ऐसे घूम के, नवटोली होते हुए, यानी 5-7 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था। अब मान लीजिए शॉर्टकट हो गया, मान लीजिए मुखिया जी ने अपने निजी को से एक होम पाइप लाए, उसको होम पाइप, दो होम पाइप लाए, उसको लगवा के लगभग 100 गाड़ी से ज़्यादा मिट्टी दिए। उसके बाद किसान के लिए बाद में जब जाते हम लोग खेत में तो बहुत सारे किसानों का ये कहना था कि हम लोग खेत तक जो है ट्रैक्टर नहीं ले जा पाते हैं, कुछ नहीं ले जा पाते हैं। तो ऐसे में सरकारी ज़मीन जो है कुछ अतिक्रमितों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था,
तो वहाँ पर सरकारी जमीन के अलावा सरकारी भवन भी सुने थे जो अतिक्रमण कर लिया गया था। सरकारी भवन परिसर तो पूर्ण रूप से अतिक्रमण ही था। वहाँ तो मान लीजिए हम लोग कई बार ऐसा भी कहे कि ये सरकारी पंचायत भवन नहीं है, ये शौचालय भवन हो गया, क्योंकि वहाँ पर बैठना तो दुर्भर हो गया था। हम लोग बैठ नहीं सकते थे वहाँ पर, इस तरह से दुर्गंध आता था। अब वहाँ पर जैसे कि मुखिया जी ने अपने ही निजी कोष से सारे घेराबंदी करके उसमें मिट्टी उट्टी गिरा दिए हैं, साफ सफाई है। तो जिस टाइम घेराबंदी हो रहा था, आप लोगों को किस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ा? चूंकि इस पर हाथ डालने के लिए न तो विधायक न सांसद कभी पहल कर रही थी, उन लोगों के अंदर एक दहशत था, डर था, किस बात की डर था? वो डर, डर बस अतिक्रमितों का डर था वो, क्योंकि बाहुबल हो गया था वो लोग। अतिक्रमित लोग कह रहा है कि मैं बाहुबल हूँ, मेरे पास समांग है, बहुत सारे जनता है, मैंने जो अतिक्रमित बहुत सारे लोग हैं तो सब इकट्ठा हो जाते हैं। तो मान लीजिए जो भी प्रतिनिधि आते थे वो अकेले हो जाते हैं, तो उनके साथ कोई होता नहीं था। अब जैसे कि हमारे राजनारायण मुखिया जी हैं तो इनके साथ हम लोग सारे युवा इनके साथ रहते हैं, तो इनको कभी ऐसा युवा सोच युवा जोश का जो जी नाम दिख रहा है, हम लोग चाहते हैं कि इनको कहीं काम में कोई बाधा ना हो, इसके लिए चाहे जो होना पड़े। हमारे पंचायत के जितने भी युवा साथी हैं हमेशा तात्पर्य रहता है कि चले भाई कहीं भी मुखिया जी कोई दिक्कत हो तो हम लोग को भी कहिए, हम लोग भी आने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। और हम लोग पहुंचते हैं वहां पर, और बहुत सारे वहां पर चाह रहा था कुछ लोग कि मान लीजिए नहीं यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, ढाट नहीं लगना चाहिए, हम लोग का रास्ता बंद हो रहा है, ये हो रहा है। कई लोगों ने तो आवेदन भी SDO के समक्ष, हमको जानकारी हुआ कि SDO के पास आवेदन भी पहुंचा दिया कि भाई मेरा रास्ता ही बंद हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, पंचायत भवन परिसर है, रास्ता तो भाई साहब पिचिंग पहले से मुख्य सड़क बना हुआ है ना। तो आप सरकारी भवन पंचायत भवन परिसर है जिसको जब पंचायत भवन मॉडल सरकार भवन बनने जा रही है, सरकार कह रही है कि हर पंचायत में मॉडल सरकार भवन बनना चाहिए, जैसे कि हमारे पंचायत में अभी कोई पंचायत सरकार भवन है नहीं। तो यहाँ जो भी कर्मचारी हैं, खास करके पंचायत के जो कर्मचारी होते हैं, उनको हम लोग ढूंढने के लिए फोन करते हैं, कहाँ है सर, तो ब्लॉक पे। यही बात हम आपसे सवाल करने वाले थे, जो आपके पंचायत पहले ऐसा होता था जो ग्राम सेवक महीना महीना दिन नहीं आता था, सुनते थे कर्मचारी महीना महीना दिन नहीं आता था, और क्या अब जब आप लोग मुखिया बने हैं क्या कर्मचारी और ग्राम सेवक का जो है आना जाना? एक रूम दिए हुए हैं, उनमें हम लोग कुर्सी लगा दिए हुए हैं, और उन लोगों को कह दिया है कि आप लोगों का काम है कम से कम पंचायत में जब समय होता है 10 से 4 तो आप लोग कम से कम आके यहाँ बैठिए। लोगों को आपको ढूंढने के लिए आपके घर आपके डेरा आपके मोहल्ला नहीं जाना चाहिए हम लोगों को, हम जनता हैं। और हमारे मुखिया जी उन लोगों को कहा हुआ है कि आप लोग यहीं बैठिए, कुर्सी उर्सी खरीद के दिए हैं उन लोगों को कि आप लोग यहीं बैठेंगे, चाहे जो हो जाए, धूप हो चाहे जो हो, आप लोगों को बैठना है। और कर्मचारी हम लोगों को मिलता है, यानी मोदी और अमित शाह की जोड़ी जो है जैसे केंद्र में है वैसे ही यहाँ पर राजनारायण जी और ब्रह्मदेव जी की जोड़ी है। लगातार आप लोग ताबड़तोड़ फैसला लेते जा रहे हैं, फंड आई नहीं, अपने जेब से आप लोग लगातार पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए मतलब झोंकते जा रहे हैं लगातार जो है। आप सरकार की योजना जो है समय समय से आती है, जैसे कि अभी मान लीजिए बहुत सारे योजना है जो धरातल को उतारने के क्या लिए लगता है कोई मुखिया ऐसा भी होगा जो आप लोगों को फोन किया होगा आपके कार्यों को देख करके कि आपको लगता है इस जिला में इस तरह का काम कोई और मुखिया किया होगा, आपको अंदेशा कोई ऐसी जानकारी? ऐसा तो ऐसा जानकारी नहीं है। सारे मुखिया जी आते हैं ब्लॉक पर देखते हैं, वो लोग तो गुहार लगाते रहते हैं कि काम कब चालू कीजिएगा तब हम लोग काम करेंगे, लेकिन हमारे मुखिया जी ऐसे नहीं है। हमारे मुखिया जी कहते हैं कि आप अपना काम यदि 6 महीना बाद भी हमको दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, हम तब तक अपना निजी कोष से अपना काम करेंगे ताकि हमारे जनता को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। अच्छा, आप अपना नाम बता दो। मेरा नाम ब्रह्मदेव राय हुआ, दक्षिण समाज से भी है हम। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ब्रह्मदेव जी के बाद अब हम यहाँ के जो मुखिया है अब उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे जो भाई आप चूंकि चुनाव दूसरी बार लड़ रहे हैं, दूसरी बार में आप मुखिया बने, एक बार में पता चला जो कुछ ही वोट एक वोट या दो वोट के अंदर से आप चुनाव हार गए थे किसी कारणवश, इस बार आप जीते हैं। तो इस बार जब आप जीते हैं तो आपके सामने जब आप जीत कर आए तो किस तरह की चुनौती थी? और चूंकि आप मुखिया संघ के अध्यक्ष भी बने हैं तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और मधुबनी गुड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को भी नमस्कार। बताइए आप अपने कार्यों को बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी दीजिए और आप अपने आम आवाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों से काम हम क्या बताएंगे, आप लोग देख ही रहेंगे कहाँ काम हो रहा है और कहाँ काम नहीं हो रहा है, तो हम अपने मुँह से क्या कहें आपको। तो ये सारे जितने ताबड़तोड़ फैसला ले रहे हैं क्या आप मतलब मुखिया बनने से पहले ही लगता है इस तरह के डिसीजन मन में बैठा लिए थे? पिछले हम इससे पहले भी चुनाव लड़े थे तो कुछ वोट से हम हार गए थे, तो हम जो गांव में रहेगा उसको पता है कि कहाँ क्या समस्या है, तो हमने निरंतर प्रयास किए कि उस समस्या को दूर किया जाए। और पिछले 5 साल आप लगातार जनता के बीच में रहे? पिछले 5 सालों से हम समस्या को दूर करते ही आ रहे हैं, चाहे छोटा मोटा समस्या अपने ही फंड से कर लेते हैं,
और नहीं तो किसी सरकारी मदद से भी करा लेते हैं। जैसे हो, जनता का काम होना चाहिए, ये मेरी सोच है। तो ये जो अभी आप कार्य किए हैं, आज तक ये कार्य लोग कह रहे हैं, जैसे कि स्थानीय लोग कह रहे हैं, जो कोई नहीं कर पाया था, ऐसा कार्य करने के बाद कैसा एहसास कैसा हो रहा है आपको? देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है, मिल रहा है, बहुत सुकून में, इसलिए कि हम भी कभी पोखर साफ करने के लिए, भमरा देने के लिए लोगों को आवेदन दिया करते थे, और हमको मौका मिला तो हम खुद करें, तो आप सोच सकते हैं आप कितना खुशी हुआ होगा हमको। यानी आप दूसरों को प्रेरित करते हैं कि यदि आपको मौका मिलता है तो आप करिए। बिल्कुल, अगर मौका मिले तो कभी नहीं चुकी है काम करने से, कभी नहीं चुकी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।